22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसे लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। इस बीच कनाडा में मारे गए सुखा दुनके और अर्श डाला गैंग के 3 संदिग्धों को अयोध्या से पकड़ा गया है। सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश ATS ने अयोध्या से सुखा दुनके गैंग से जुड़े धर्मवीर और उसके साथी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। UP ATS के साथ इंटेलिजेंस की एक टीम तीनों संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि धर्मवीर राजस्थान के सीकर का रहने वाला है। दावों की माने तो राष्ट्रीय एजेंसी ने अर्श डाला को वांटेड घोषित कर रखा है। वहीं भारत सरकार ने उसे आतंकी घोषित किया हुआ है। अयोध्या के कानून एवं व्यवस्था के DG ने बताया कि राज्य सरकार एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देशों पर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान में तीनों संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इन संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। पिछले साल अर्श डाला के राइट हैंड माने जाने वाले जिस सुखदूल सिंह सुखा की हत्या हुई है, वह कनाडा के पौश इलाके की कोठी में रहता था। जिस फ्लैट में सुखदूल रहता था और फ्लैट में सुखदूल को घर में घुसकर गोली मारी गई, वो कनाडा के विनिपे सिटी में हेजल्टन ड्राइव इलाका है, जहां 20 सितंबर को हत्याकांड को अंजाम दिया गया। सूत्रों की माने तो हमलावरों के निशाने पर अर्श डाला भी था, लेकिन वो उस वक्त कोठी में नहीं था। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस कोठी के फ्लैट नंबर 230 में सुखा रहता था। यहाँ सुखा से मिलने कई लोग लग्जरी गाड़ियों में आते थे। वो लोग कौन थे, ये एक राज है। अर्श डाला फिलहाल कनाडा में ही मौजूद है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के इशारे पर काम कर रहा है। जो UP ATS की टीम कल वीणा चौक पर पहुंचकर अपना दमखम दिखा रही थी, उसी ATS की टीम ने 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जिनका कनेक्शन जो है वो कनाडा से है। जी हाँ, खालिस्तानियों से है। दरअसल इन 3 आरोपियों को जो गिरफ्तार किया गया, ये तीनों जो है ये राजस्थान के रहने वाले हैं और अयोध्या में बेखौफ तरीके से घूम रहे थे और घूमकर अयोध्या में रैकी कर रहे थे। जानकारी ये भी कही जा रही है कि ये जो है नक्शा कनाडा जो है बैठे खालिस्तानी को भेज रहे थे। जी हाँ, अयोध्या में जो गिरफ्तार 3 शख्स हैं जिन्हें ATS ने गिरफ्तार किया है, उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। तो अयोध्या में ATS की टीम ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया, उनके नाम है शंकरलाल, अजीत कुमार और प्रदीप पूनिया। गिरफ्तार आरोपी शंकरलाल से जब पूछताछ की गई, जब ATS ने और जो है जानने की कोशिश की, तो उसने बताया कि शंकरलाल कनाडा में मौजूद खालिस्तानी समर्थक हरमिंदर उर्फ लांडा से संपर्क में था। हरमिंदर ने शंकर से कहा था कि खालिस्तानी आतंकी गुरुपत्वनंत ने अयोध्या की रैकी करने को कहा था, अयोध्या का नक्शा भी भेजने को कहा था। कनाडा में मौजूद शख्स के कहने पर तीनों अयोध्या पहुंचे थे और कनाडा में बैठे शख्स के इशारे पर अयोध्या की रैकी कर रहे थे ये गिरफ्तार आरोपी। जी हां, जिस प्रकार से ATS की टीम यहां पर पहुंची अयोध्या में, उसके बाद से ATS ने अपना कमाल अगले दिन ही दिखा दिया। जी हां, 3 लोगों को गिरफ्तार करके जो है उनसे पूछताछ की और पूछताछ करके बड़ा खुलासा किया। कहने को ये भी कहा जा रहा कि ये आरोपी जो है अयोध्या में कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे, जिनका जो है पर्दाफाश यूपी में आकर ATS ने किया है इस वक्त। तो ये अयोध्या की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जिसको लेकर चर्चा ज्यादा की जा रही है। और आज ही के दिन जो है सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंचे थे निरीक्षण करने के लिए और तमाम निरीक्षण के बाद वो वापस है, क्योंकि 22 जनवरी का कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान के रूप में पहुंचेंगे और जो है भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भव्य राम मंदिर में की जाएगी। लेकिन उससे पहले यह खबर सबको चौंका देने वाली खबर है।